हाय, जल्दी बताइए दुनिया की बेस्ट जॉब कौन सी है। नहीं ये नहीं, ये फूड टेस्टर्स दे कॉल, या फिर आप कह सकते हैं दुनिया के लकीस्ट लोग, इन लोगों को पैसे मिलते हैं खाने के लिए। पर कभी आपने ऐसा सोचा है कि दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरी कौन सी होगी? आई मीन डेडली। मतलब इस जॉब को करने से अच्छा है कि मैं अभी एक हेलीकॉप्टर लेके इंडिया के सबसे ज्यादा घने फॉरेस्ट के ऊपर जाऊँ, वहाँ से जंप मारूँ और किसी पेड़ पे पड़े पड़े मौत का इंतजार करूँ। अगर आज के टाइम की बात करें तो कोई भी जॉब जिसमें किसी और इंसान की परछाई भी देखनी पड़े डेडली हो सकती है। इसलिए ट्विटर ने बोला ना अपने एम्प्लॉय से कि अगर तुम लोग का मन ना करे ऑफिस आने का तो आओ ही मत कभी भी। क्लियरली ह्यूमन लाइफ की परवाह है उन्हें। पर आज से कुछ साल पहले, 100 साल पहले टू बी एग्जैक्ट, जब गोरे लोग हमारे देश के गरीब मजदूरों का खून चूस रहे थे, तभी 12,000 किलोमीटर वेस्ट में कुछ और गोरे लोग मुझे इस वीडियो के लिए कंटेंट दे रहे थे। दीस आर रेडियम गर्ल्स। फर्स्ट लोग मुझे पता है लग सकता है कि क्या है, बस पेंटिंग ही तो कर रही हैं, सब घड़ियां पेंट कर रही हैं आई गेस। पर ज्यादा जल्दी गेस मत करिए, क्योंकि इस फोटो में जितनी भी लड़कियां आपको दिख रही हैं वो इस फोटो को क्लिक करने के कुछ महीने बाद ही मरने वाली थी। खराब पेंटिंग करने की सजा ज्यादा से ज्यादा व्हाइट टी शर्ट पे पेंट लगना या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड की किसी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मौत नहीं। पर ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है, और ऑफ कोर्स ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो क्यों बनाती मैं ये वीडियो। क्योंकि जैसे इन लड़कियों ने जॉब स्टार्ट की थी ना, उसके कुछ टाइम बाद ही बहुत अजीब चीजें होने लगी इनके साथ। जैसे कि सबसे पहले इनकी पूरी बॉडी, कैसे बताऊं मैं, इनकी पूरी बॉडी चमकने लगी एकदम अपने आप ट्यूबलाइट जैसे। मैं मजाक भी नहीं कर रही, और ये इस पूरी स्टोरी की सबसे कम अजीब बात है। मेरे के लिए पता है आपको, उनका भी इसमें थोड़ा रोल है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा रोल है। इन लड़कियों को पता नहीं था कि लोग जॉब करने नहीं जा रहे, नहीं तो ये उस फैक्ट्री में कदम भी नहीं रखती। और ये सब कुछ स्टार्ट होता है इस ड्रेस की वजह से। कैसे, चलिए पता करते हैं। So stupid. Okay, तो शाम का टाइम था, ठीक है, अभी सनसेट हुआ था, एक ही करके सारी स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उसी टाइम पर सामने से एक लड़की आती है, ये भी घर जा रही है, तो बहुत ज्यादा चमकीली ड्रेस पहनी हुई है, फैक्ट्री से काम करके आ रही है। इस लड़की को घूर रही है पासी में बेंच में बैठी हुई दो बेस्ट फ्रेंड्स मॉली और ग्रेस। नहीं, इन दोनों को कहीं नहीं जाना, ये पूरे दिन उसी बेंच पे बैठी रहती है, आते जाते लोगों को घूरती रहती है। इनके पास फिलहाल कोई काम नहीं है। पर इस लड़की को इन दोनों ने पहले भी बहुत बार देखा है, पर जितनी बार भी वो उसे देखती हैं, इन दोनों की नजर रहती है उसकी ड्रेस पर। क्योंकि उसकी ड्रेस, आपने वो मूवी देखी है सिंड्रेला वाली जिसमें वो ब्लू कलर गाउन पहनती है, हाँ इस लड़की की ड्रेस भी उसी की तरह एकदम ब्लूविश ग्लो से चमकती है जब भी उस पर स्ट्रीट लाइट पड़ती है। और इन दोनों कार्टून्स को भी चाहिए वो ड्रेस, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, लोग खरीद क्यों नहीं लेते सेम दुकान से जाके वो ड्रेस? कौन सा इनके बिजी शेड्यूल में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं क्यों उन्हीं लड़कियों की ड्रेस ऐसे चमकती थी जो उस फैक्ट्री में काम करती थी, रेडियम गर्ल्स। और मॉली और ग्रेस को भी बनना था रेडियम गर्ल। अब इससे पहले आप बोले कि कौन सी लड़की को बस एक ड्रेस के लिए कोई जॉब करनी होती है, शायद अब मेरी क्लास की लड़कियों से मिले नहीं है, सबको बचपन से एरोस्टेस बनना था बस उस ड्रेस के लिए। और दूसरी बात, ये दोनों बस 15 साल की थी, हाँ तब चाइल्ड लेबर ऐसा कुछ लॉ नहीं था, 1920 की बात हो रही है, हमारे देश में तो अभी भी नहीं है सैडली। 15 से लेके 25 की हर लड़की, हर मिडिल क्लास लड़की को यही जॉब करनी थी, क्योंकि तब चल रहा था वर्ल्ड वॉर, सारे स्कूल बंद थे, सारे कॉलेजेस बंद थे, इकोनॉमी डाउन थी, किसी को नौकरी मिल नहीं रही थी, और ये जॉब काफी इजी थी, बस रेडियम से घर ही पेंट करनी थी, एक ही जगह पे बैठे रहना रहता था, तो इन दोनों का सपना था ये। और ये सपना बहुत ही जल्द सच होने वाला था, क्योंकि कुछ मिस्टीरियस रीजंस के वजह से दो लड़कियों ने जॉब छोड़ दी थी रिसेंटली, इन दोनों को पता चला था। और जैसे इन दोनों को पता चला, ग्रेस ने मॉली से बोला, चल यार यही अपना चांस है, जल्दी से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, हम लोग जॉब स्टार्ट करते हैं, हमें फिर पैसे मिल जाएंगे, कम ऑन यार। पर मॉली जो थी ना, उसको डाउट हो रहा था बहुत, शी इज लाइक यार ये सोचने वाली बात है, उन दोनों ने जॉब छोड़ी क्यों? और जब हम लोग बेंच पे बैठे रहते थे तो उन्हें नोटिस किया था, आजकल वो हमेशा अपने मुंह पे रुमाल बांध के जाती थी, वो क्या था यार, कुछ तो मिस्ट्री है। सच में अगर मैं उसकी जगह होती ना, मैं भी सोचती। पर ग्रेस इज लाइक नया कुछ नहीं होगा यार, कोई मिस्ट्री नहीं, तो बहुत ज्यादा सोच रही है, मैं अभी जाके एडवांस लेकर आ रही हूँ, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और गई एडवांस लेकर भी आ गई। Dollar bills, y'all. And she's like, it's just radium. Everyone loves radium. और ये बात एकदम सही थी, उस टाइम रेडियम इतनी ज्यादा फैशन में था जितनी ज्यादा फैशन में अभी नमक है, यू नो आपके टूथपेस्ट में नमक जरूर होगा, हर चीज में वो लोग रेडियम डाल देते थे, एक चुटकी रेडियम, एक चुटकी रेडियम चॉकलेट में, एक चुटकी रेडियम टूथपेस्ट में, एक चुटकी रेडियम लिपस्टिक में, रेडियम पानी में, क्योंकि रिसेंटली ये डिस्कवर हुआ था कि रेडियम से कैंसर सेल्स मर रही थी, बहुत सारे कैंसर पेशेंट सही हो रहे थे, तो लोगों ने सोचा अगर हम लोग पहले से रेडियम खा लेंगे तो हो सकता है हमें कैंसर हो ही ना, कितनी बेवकूफी वाली बात।
बात है ये. Are we idiots? घड़ियों में वो लोग रेडियम इसलिए पेंट करते थे घड़ी के डायल पे क्योंकि ये रात में चमकता था, तो बिना कैंडल जलाए आप टाइम देख सकते हैं रात में. मोबाइल वोबाइल तो इन्वेंट नहीं होता था. और सबसे बड़ी बात कि वर्ल्ड वॉर में जितने सोल्जर्स थे वो टाइम देख सकते थे बिना एक्सपोज हुए दूसरी साइड से. इसीलिए 1911 के मंडे मॉर्निंग के हर न्यूज़पेपर पे ये फ्रंट पेज पे खबर थी, मरी क्यूरी इन रिकॉग्निशन ऑफ हर सर्विस टू द एडवांसमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड द डिस्कवरी ऑफ रेडियम हैज वन द नोबेल प्राइज, क्योंकि इतना ज्यादा यूजफुल एलिमेंट था ये. पर जो भी मैंने आपको अभी रेडियम के बारे में बताया है वो भूल जाइए, सच में वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ. आई वॉन्ट टेल यू अबाउट रेडियम. इट डज नॉट बिहेव एज इट शुड. मतलब कि हमारी बॉडी को रेडियम और कैल्शियम के बीच का डिफरेंस नहीं पता, वो ऐसे ही रेडियम को अब्सॉर्ब करती है जैसे कैल्शियम को. और ये इन्फॉर्मेशन आगे आने वाले इंसिडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ग्रेस ने एडवांस ले लिया और इन दोनों ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी. वो जाती हैं फैक्ट्री में, सारी लड़कियों से मिलती हैं जिनको वो अदरवाइज बस रास्ते में घूरती थी बैठ के. कुछ दिन तक सब कुछ सही चलता है, उसके बाद वो इंसिडेंट होता है जिसके वजह से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है. रेडियम फैक्ट्री के जो मालिक है, मालिक नहीं मतलब सीईओ मैनेजर, मतलब क्या उन लोगों को क्या बोलते हैं जो लोग सूट पहनते हैं, इंचार्ज, मतलब सूट पहनने वाले लोग जो भी थे वो सब आते हैं, उनकी पूरी टीम आती है हाई लेवल लोगों की. पूरे ऊपर से नीचे तक उन लोगों ने मास्क पीपी ये सब पहन के रखा हुआ है, पूरे ग्लव्स व्लव्स पहन के रखे हुए हैं. अब वो बोलते हैं आज हम लोग आपको रियल चीज सिखाने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक लिप पॉइंटिंग. ये नाम मैंने नहीं रखा, उन्हीं लोगों ने रखा है. तो आज हम लोग आपको लिप पॉइंटिंग सिखाएंगे. अब नाम भले इस टेक्निक का बहुत क्यूट हो पर ये एकदम वैसा ही है जैसे कि समझिए कि आप एक पेट्रोल पंप पे गए और वहां पर जाकर आप सिगरेट स्मोकिंग करने लगे. हो सकता है आप स्टार्टिंग में कूल लगे, हो सकता है कुछ भी ना हो, पर एंड में पूरा पेट्रोल पंप जलने वाला है, कोई नहीं बचेगा. इस टेक्निक में भी वही होने वाला है. तो होती क्या है लिप पॉइंटिंग जो हमारे दोनों कार्टून सीखने वाले थे. जब रेडियम गर्ल्स ये वॉचेस पेंट कर रही होती थी तो थोड़े टाइम बाद वो जो ब्रश रहता था उनका वो एकदम चौड़ा हो जाता था, सारे ब्रिसल्स एकदम अलग अलग हो जाते थे. मतलब जैसे कि आपने बचपन में कभी पेंटिंग की होगा, हो सकता है अभी भी करते हो, मुझे नहीं पता आपके हॉबीज क्या. मतलब जब भी आप पेंटिंग करते हैं तो जब हम लोग स्टार्टिंग में ब्रश डालते हैं पेंट में तो कैसे वो एकदम पॉइंटेड रहता है जब वो सारा पेंट उसमें रहता है, सारे लाइन के अंदर पेंटिंग होती है एकदम अच्छे से. पर थोड़े टाइम बाद जब पेंट खत्म हो जाता है तो ब्रश एकदम ड्राई हो जाता है, सारे ब्रिसल्स अलग अलग हो जाते हैं, सारा पेंट लाइन के बाहर जाने लगता है, एकदम खराब हो जाती है पेंटिंग. हम सोचते क्या मैं ये पेंटिंग फाड़ के फेंक दूं, क्यों मैं कोई चीज ढंग से नहीं कर पाती, माई लाइफ इज अ जोक, लास्ट वाला बस मैं सोचती हूँ. पर नहीं, वो एकदम अलग अलग हो जाता है. उसके बाद हम लोग को अगर उसे वापस पॉइंटेड करना है स्टार्टिंग जैसे हम लोग पानी में डालते हैं उसको, याद है? तो इन सूट वाले लोगों ने रेडियम गर्ल से बोला कि put the paintbrush between your lips to sharpen it. क्योंकि रेडियम बहुत महंगा मिलता था और ये लोग चाहते नहीं थे कि जरा सा भी रेडियम वेस्ट हो, इतना इनको अपने प्रॉफिट की चिंता थी. सच में बता नहीं सकती सूट वाले लोगों से मुझे कितनी नफरत है. एक तो एकदम बनावटी तरीके से मुस्कुराते हैं, पता नहीं क्यों इतने मतलब लालची होते हैं ये लोग, मैं बता नहीं सकती. और तारीफ आपकी ऐसे करेंगे ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरी तारीफ हो रही है कि मेरी बुराई हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा. ओके, तो इसी के साथ आज का मेरा मेल्टडाउन खत्म होता है. बैक टू द स्टोरी. तो ये दोनों लिप पॉइंटिंग करने लगती हैं, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना ज्यादा बुरा लग रहा है दोनों के लिए, सच में बहुत बुरा लग रहा है. तो ऐसे एक हफ्ता बीत जाता है. उसके बाद मॉली जाती है ग्रेस के पास और बोलती है यार मेरा दांत रात में चमकता है. ग्रेस बोलती है तो उससे क्या हो, ये तो बहुत अच्छी बात है. पर उसके थोड़े दिन बाद उसका एक दांत बहुत दर्द होने लगता है. तो ये दोनों जाती है डेंटिस्ट के पास. डेंटिस्ट जैसे उसका दांत पर छूता भी नहीं है तुरंत वो दांत टूट जाता है और ऐसे कर करके उसके सारे मुंह के दांत टूट जाते हैं. तो थोड़े दिन बाद जॉ इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि अगर उसको कोई छू भी ले तो टूट जाए वो. तो वो हमेशा एक रुमाल बांध के रखती है अपने मुंह पे, इतना उसको दर्द होता है. और ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि लिप पॉइंटिंग जब वो लोग कर रहे थे तो हमेशा थोड़ा थोड़ा रेडियम वो लोग खा ले रहे थे जिसके वजह से उनकी बॉडी उसको कैल्शियम समझ के अब्सॉर्ब कर ले रही थी उनके बोन्स में और उनके दांत में. और क्योंकि रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, अंदर से वो खा रहा था उसके पूरे दांत को और उसके पूरे बोन्स और पूरी बॉडी के सेल्स को. और थोड़े दिनों बाद और भी बहुत वर्कर्स की तबीयत खराब होने लगी. किसी को किसी तरीके का कैंसर हो रहा था, किसी को किसी और तरीके का कैंसर हो जा रहा था. ये बात सुनते ही सूट वाले जितने थे वो सब घबरा गए क्योंकि अगर ये बात जरा से भी बाहर चली जाती उनकी पूरी फैक्ट्री बंद हो जाती. तो उन लोगों ने सारी लड़कियों को ब्राइब करने की कोशिश की, पैसे ले लो अपना मुंह बंद रखो. पर सारी लड़कियों ने मना कर दिया पैसे लेने से, सरप्राइजिंगली ग्रेस ने भी मना कर दिया. पर ये सूट वाले लोगों ने सारे डॉक्टर्स को खरीद लिया था. तो जब कोर्ट में केस स्टार्ट हुआ तो सारे डॉक्टर्स ये बोलने लगे कि नहीं रेडियम के वजह से या फैक्ट्री के इन लोगों के वजह से नहीं हुआ है इनको,
ये बीमारियां, ये सब इन लोगों को एक वायरल इन्फेक्शन हुई है उसके वजह से हुआ है। एक एक करके ऐसा लग रहा था हर चीज बर्बाद हो रही है। मौली की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी, वो लोग कोर्ट में केस हार रहे थे कि तभी एकदम एक मिरेकल, चमत्कार जैसी चीज होती है। डॉक्टर हैरिसन मार्टलिन नाम का एक डॉक्टर कोर्ट में वो टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर आ जाता है जो प्रूफ कर देती है कि इन सबको जो बीमारी हो रही थी वो किसी वायरल इन्फेक्शन नहीं बल्कि उस रेडियम के वजह से ही हो रही थी। वो लोग केस जीत गए, फैक्ट्री बंद करनी पड़ी उन सूट वाले लोगों को और हर एक वर्कर को $10,000 मिले सेटलमेंट के। पर उसके बाद बहुत ही शॉकिंग चीज हुई, थोड़े महीने बाद वो फैक्ट्री फिर से खुल गई और इस बार वहाँ पे मीट पैकिंग का काम होने लगा। उसके थोड़े महीने बाद वहाँ पे सब्जी का गोडाउन बना दिया उन लोगों ने। 1968 में जाकर उस बिल्डिंग को तोड़ा गया। इतने सालों तक फिर से गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करने के बाद लोग कहते हैं स्लेवरी खत्म हो गई है। मेरे को नहीं लगता कोई स्लेवरी खत्म हुई है, बस हम लोगों को दिखती नहीं है। पूरे दुनिया में लाखों लोगों को एक वायरस से मरना पड़ता है तब जाके न्यूज वालों को उन मजदूरों की खबर दिखाना याद आता है जो अपने घर से इतने दूर आकर छोटे छोटे दुकानों में, छोटे छोटे कारखानों में, उनसे भी छोटे छोटे कमरों में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और कम से कम पैसों में काम करते हैं इन सूट वाले लोगों के लिए। लेकिन इन सूट वाले लोगों की गाड़ियां उनके पार्किंग से निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ती जब उन्हीं बेचारे मजदूरों को पैदल अपने घर जाना पड़ता है। लेकिन इन लोगों का प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। हर लड़की को बोला गया था कि तुमको कम से कम हर रोज 250 डायल तो पेंट करनी है वरना गई तुम्हारी नौकरी। उन सब ने किया, पर उन सबको रिटर्न में क्या मिला? मौत। जब लोग शांति से चुपचाप बैठ के बस फैक्ट्री में काम करते हैं, बच्चे जब फैक्ट्री में बैठ के काम करते हैं तो किसी को नहीं पता चलता कि इन जो चमकीली चीजें दिख रही हैं उसको कितने गरीब लोगों को अंधेरे में बैठ बैठ के बनाना पड़ा होगा। तभी लोगों को दिखता है जब इसके बारे में बात होती है। मेरे को नहीं पता मैं अपनी तरफ से क्या कर सकती हूँ, मैं कम से कम बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं बात करने में अच्छी हूँ, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनानी थी। सॉरी एंड में थोड़ा सीरियस हो गया, पर ये सच है यार। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको देखनी है मेरी कोई और भी वीडियो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।